हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज से स्टूडेंट्स मैं क्लास टेंथ की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो होगी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के नाम से, जिसके कई सारे पार्ट्स आने वाले दिनों में आएंगे, जिसे कर करके स्टूडेंट्स आप बोर्ड एग्जाम में की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो होप आप इसको ज्वाइन करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो भी बेनिफिट ले सके। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की वीडियो, और पार्ट वन में आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं, दो क्वेश्चंस कराने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं स्टूडेंट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन हो और उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे करते हैं। पहले तो मैं आपको स्टार्ट समझा दूं स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें रूट्स निकालने हैं। ये चैप्टर जो स्टूडेंट्स है, चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वेश्चन 1 है फाइंड द रूट्स, हमें रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है अभी बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। स्टूडेंट ये हमें गिवन इक्वेशन दी है 2x² - 7x + 3 = 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो फॉर्म है। जब आपको एक गिवन इक्वेशन दे दी जाए तो आप लिख लीजिएगा ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें रूट्स निकालना है। रूट्स असल में इसमें यहां पर होता है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। वेरिएबल यहां पे क्या है, एक्स। ठीक है, उसकी तो सबसे पहले कैसे निकाला जाता है देख लेते हैं। आप देखिए x² के साथ जो लिखा हुआ है, x² का कोफिशियंट है a और x का कोफिशियंट है b और ये है कॉन्स्टेंट। इस इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसको आप जो गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको स्टूडेंट मिलेगी a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या मिलेगी, x² का कोफिशियंट यहाँ पे a, तो यहाँ पे क्या है 2, तो a की वैल्यू 2। ओके, ऐसे ही सिमिलर b की वैल्यू, x का क्या है -7। ठीक है ना, x के साथ b था ना, यहाँ पे x के साथ -7, यानी b की वैल्यू -7। ऐसे ही c कांस्टेंट है, c की वैल्यू 3। ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हम निकालते हैं डी, कैपिटल डी, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले, इससे क्वेश्चन वैल्यू निकालने से पहले एक्स की, आपको डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। वैल्यू डाल देंगे, हमें मालूम है एबीसी की वैल्यू, पुट कर देते हैं, बी की जगह -7 डाला, स्क्वायर 4a, a है 2 और c है 3। ओके, 7 का स्क्वायर, -7 का भी स्क्वायर 49 होगा, 4 2 8 3 24, 49 में से माइनस किया 24, d 25। अगर तो स्टूडेंट d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, जो कि आ रही है, ठीक है, तो ये कहलाती है रियल रूट्स। क्या कहलाता है, रियल रूट्स। और जब रियल रूट्स हो स्टूडेंट्स, तो हमारी जो रूट्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, दो डिफरेंट वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो क्या फॉर्मूला होता है, अब सुन लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है x = -b + √d/2a। ठीक है, एक यहां पे बीच में जैसे आप देख रहे हैं प्लस हो गया, और एक और वैल्यू निकलेगी, यहां प्लस की जगह पे क्या आ जाता है माइनस। ठीक है, तभी दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकलती हैं। ओके, क्लियर। तो ये वैल्यू होती है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो रियल रूट्स कहलाता है, तब ये लगेंगे फॉर्मूला। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 हो तो इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल एंड रियल रूट्स, तो भी यही वैल्यू, तो भी यही फॉर्मूला लगते हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू, दोनों यहां पे दोनों वेरिएबल एक्स एक्स की वैल्यू सेम आती है, तब जब डी की वैल्यू यहां 0 हो। अगर आप कहो सर डी की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो आप यहां लिख देंगे वैल्यू ऑफ रूट्स आर नॉट पॉसिबल, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तब वैल्यू नहीं निकलेगी, तब वही फिनिश हो जाएगा जब डी माइनस में आएगा। ठीक है,
बट वो बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं जब वो ऐसा देता है, ठीक है। तो जीरो होगा तब निकलेगा, तब दोनों वैल्यू सेम आएंगी, और ग्रेटर देन जीरो होगा तो, ठीक है। तो जल्दी से पुट कर देते हैं फटाफट, माइनस है ही ऑलरेडी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस सेवन, प्लस रूट डी क्या है 25, टू ए क्या है टू, टू जा माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लेशन है प्लस, अच्छा 25 से बाहर आ जाएगा 5 आ गया, ये तो अंडरस्टूड है ना भाई, 25 को आप कैसे समझते हैं, 5 जा रूट के अंदर दो में से एक बार आ गया, ठीक है। हाँ, टू टू जा 4, 7 प्लस 5 12 बाय 4 कैंसिल होके 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई एक तो आ गई 3, ओके ठीक है। अगला देखिए, वैसे ही है बिल्कुल सेम, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे प्लस का रूट डी था या माइनस का है, माइनस बी की वैल्यू माइनस सेवन, रूट डी है 25, टू ए हमारा 2 है, चेक कर लीजिए, देख लीजिए वैल्यूज को, ठीक है। तो 7 माइनस 5 बाय 2, 2 जा 4, 7 माइनस 5 कितना 2, 2 बाय 4 कैंसिल होके x की वैल्यू 1 बाय 2, तो एक वैल्यू आ गई 3 और एक आ गई 1 बाय 2, यानी एक हो गया इस इक्वेशन के जो रूट्स आ गए 3 एंड 1 बाय 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब अगला एक और क्वेश्चन लेता हूं स्टूडेंट आपके सामने और वो करके दिखाता हूं, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, देखिएगा। अब अगला साथ साथ शेयर भी करते रहिएगा चैनल को ज्यादा से ज्यादा, जिससे और भी औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है जी। हाँ, औरों को भी ना इसका प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, के की, और यहां पे इक्वेशन जो है वो है के एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है जी। हाँ क्लियर, अच्छा यहां पे के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें साथ में ये गिवन है क्वेश्चन में कि इसके इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, फाइंड के क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव इक्वल रूट्स, समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि d की वैल्यू कभी कभी 0 भी आ जाती है, लेकिन अगर आप यहां पे क्वेश्चन को समझेंगे तो यहां बता रहा है हमें, पहले तो इसको बना लेंगे इक्वेशन, के एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसके साथ इसको किया बाहर वाले के साथ, अंदर वाले हर एक के साथ करते हैं, फिर के एक्स के साथ इसको किया 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, इतना तो समझ गए। फिर आप कहेंगे ठीक है जी, कंपेयर कर देंगे इस इक्वेशन से, कौन कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चल गया a क्या है k भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, और b क्या है माइनस 2k x के साथ, और c क्या है 6, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला आपको पता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगेगा, d यहां पर आप 0 लेंगे, ठीक है, वाई, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि k की वैल्यू निकालनी है, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और हमें बता रहा है कि हैव इक्वल रूट्स, की रूट्स इक्वल हैं, इक्वल रूट्स तभी आते हैं स्टूडेंट्स जब d की वैल्यू 0 हो, मतलब दो x की वैल्यू जो भी निकलनी होगी वो सेम आती हैं, कब, जब d जो है 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट, और वो यहां पे बोल रहा है इक्वल रूट से, तो d 0 ले लिया, ठीक है। तो b हो गया माइनस 2k डाल देंगे, a है k और c है 6, सॉल्व करते हैं 4k स्क्वायर 4 6 24k 0, तो इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया 4k, बचा क्या k माइनस 6, ठीक है ना जी, क्लियर। अच्छा ये 4k जो है सीधा आप 0 के नीचे ले जाएंगे तो फिनिश हो गया, बचा क्या k माइनस 6, यहां पर तो 0 ही हो गया भाई, 0 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी है तो माइनस का 6 इधर आ जाएगा, प्लस का हो गया, यानी k की वैल्यू आ गई आपकी
सिक्स, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। ओके तो ये था इस वीडियो में स्टूडेंट्स पार्ट वन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कई बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं इस तरह के, तो इससे जरूर आता है क्वेश्चन डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर एसी से। तो अगली वीडियो में रहिएगा, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, सीरीज को ज्वाइन करिए और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।